हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज लाउंज। टुडे आई एम गोइंग टू प्रिपेयर वेरी स्पेशल रेसिपी कलेजी फिफड़ा, जिसके लिए मुझे चाहिए एक बकरे की कलेजी फिफड़ा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम अपनी ये चीज़ें जो हैं ये चॉप कर लेते हैं। चॉपर में डाल के इस पर मैं डाल रही हूँ तो अनियन मैंने रफली काट लिया था, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा अदरक और लहसुन, हरी मिर्चें, थोड़ा सा इसमें मैं हरा धनिया भी ऐड कर रही हूँ, चॉप करूँगी थोड़ा सा। ऑलमोस्ट हाफ कप के इक्वल मैंने इसमें ऑयल लिया है, जिसको गर्म करने के बाद इसमें अब ये ऐड करी। जब तक ये फ्राइंग हमारी कंप्लीट होती है, हम अपनी मैरिनेशन के लिए योगर्ट तैयार कर लेते हैं। एक बॉल बड़ा लिया है मैंने, जिसमें वन बॉल में ऐड करी हूँ योगर्ट। सबसे पहले इसमें ऐड कर रही हूँ गर्म मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून खुश धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा जी। और अब हम इन सबको मिक्सअप कर लेते हैं मसाले को। जो यहाँ मैं इसमें ऐड करी हूँ साबुत गर्म मसाला, जिस दालचीनी के पीसीस 2 से 3 और थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसमें मैं ऐड करूँगी कलेजी, जिसको वॉश करके स्टेन करके मैंने रखा था, और ये एक और आँच अभी मैंने मीडियम पे ही रखी हुई है जी। इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो बैटर जो कि हमने रेडी किया था योगर्ट के साथ। पहले हम मिक्स कर लेते हैं इसको। कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है ये। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। और कलेजी का एक और ये होता है कि जब भी आप कलेजी बनाएँ तो इसमें सॉल्ट जो है ये कभी भी स्टार्ट में ना डालें। अगर सॉल्ट हम पहले ऐड कर दें तो ये हार्ड हो जाती है। अब कवर कर दिया और 5 to 10 मिनट्स तक हम इसको कवर करेंगे ताकि ये गल जाए अच्छे तरीके से जी। आफ्टर 10 मिनट्स हम आ चुके हैं। अब मीडियम आंच पे हम इसको, मीडियम स्लो आंच पे इसको हम कुक कर रहे हैं जी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट, 1.5 टीस्पून सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस 2 टेबल स्पूंस, और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ हरे धनिए से। यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ़ कर रही हूँ और फिर मैं इसको निकालती हूँ अपने बॉल में। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि लुक में कितनी अच्छी बनी है ये, और बहुत टेस्टी ये रियल में बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हर न्यू वीडियो का मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला हम सबको अपने सामान में रखें।